श्री केदारनाथ धाम सहित चार धामों में इस वर्ष श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। केदारनाथ धाम में इस साल 17,60,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, तो वहीं चारों धामों में 50,00,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। पिछले सारे आंकड़े पीछे छूट गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था के साथ साथ रोजगार और आर्थिकी का भी प्रमुख जरिया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि इस वर्ष अप्रैल माह से चार धाम की यात्रा शुरू हुई थी, तब से अभी तक यात्रियों का जिस प्रकार दर्शन के लिए हुजूम उमड़ा, उसी का नतीजा है कि आज तक 50,00,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने चारों तीर्थों के दर्शन कर लिए है, जो कि इस वर्ष नया कीर्तिमान भी स्थापित हो रहा है। सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई सफल व्यवस्थाओं के चलते इस साल नया रिकॉर्ड कायम हो सका है। बता दें कि केदारनाथ की यात्रा 20 दिन और चलेगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, आपके संज्ञान में होगा कि कोविड काल के दौरान में जो हमारी चारधाम यात्रा थी वो पूरी तरीके से बाधित हो चुकी थी। आप यह भी जानते हैं कि चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है। इस कारण से यात्रा व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम लोगों के अंदर एक निराशा का वातावरण भी बन चुका था। गत वर्ष प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई और मुख्यमंत्री जी के स्तर से लगातार यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की गई, तो इसका परिणाम रहा कि गत वर्ष जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आए उनकी संख्या का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है।